प्रिय विद्यार्थियों, आरसीएच जो है बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं में आंकी प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे आंकी प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, हम किस तरह को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक आंकी प्रश्न है। इसमें दे रखा कि एक मीटर भुजा वाले घन के ऊपरी फलक पर 1.5 × 10⁸ न्यूटन का एक स्पर्श रेखीय बल लगने पर यह निचली सतह के सापेक्ष 1 मिलीमीटर, ध्यान दें 1 मिलीमीटर क्या होता है, 1 मिलीमीटर विस्थापित हो जाता है। यानी एक घन है और एक घन पर स्पर्श रेखीय बल लगाया गया है, हमें इस बल का मान दिया गया है, ये बल है। ये बल लगाने से वो जो घन है, जो उसकी जो सतह होती है, वो सतह 1 मिलीमीटर विस्थापित हो जाती है। भाई तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल, अपरूपण विकृति तथा दृढ़ता गुणांक की गणना कीजिए। हमें तीन के मान ज्ञात करने हैं। हमें पहले ज्ञात करना है स्पर्श रेखीय प्रतिबल, फिर हमें ज्ञात करना है अपरूपण विकृति, और फिर हमें ज्ञात करना है दृढ़ता गुणांक। हमें तीन पॉइंट जो है ज्ञात करने हैं। देखिए भाई, तो देखो हल में आपको दिया है, हमें बल का मान दिया है। ये बल भाई कौन सा है, स्पर्श रेखीय बल है। इसका मान दिया है F बराबर 1.5 × 10⁸ न्यूटन। एरिया जो है अपन जानते हैं, बर्फ का एरिया हुदा स्क्वायर होता है, तो ये एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर। और देखो वो जो अपने बल लगाया है, बल लगाने से वो है कितना विस्थापित हुआ भाई, 1 मिलीमीटर विस्थापित हुआ है बल लगाने से। तो यहाँ पे एक्स का मान आ गया 1 मिलीमीटर, और एल जो लंबाई आ गई 1 मीटर जो है, ठीक है, 1 मीटर में इतने मिलीमीटर होते हैं अपन जानते हैं। अब देखो अपरूपण जो विकृति है, ये होती है टेन थीटा बराबर x/l। ये अपरूपण विकृति का ही मान होता है x/l। x का मान हमें दे रखा है, l का मान हमें दे रखा है, दोनों को हम जब सोल्व करेंगे तो भाई ये मान आ जाएगा। अपन जानते भी इस कोण का मान कम हो, यदि इस कोण का मान कम हो तो थीटा जो है लगभग टेन थीटा के इक्वल हो जाता है। उसमें ये जो अपरूपण जो विकृति है, थीटा का मान आ गया यहाँ से, वही 0.001 आ गया, ठीक है भाई। अब देखो हमें ज्ञात करना है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का मान हमें दे रखा है, ये हो गया इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, ये मान तो हमारा प्राप्त हो गया स्पर्श रेखीय प्रतिबल का। अगर हम दृढ़ता गुणांक ज्ञात करेंगे, ये होता है प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल हमने ज्ञात किया है, ये रहा विकृति का मान जो है, ये रहा, ये विकृति का मान रख देंगे इसमें, तो ये हमें मान प्राप्त हो जाएगा दृढ़ता गुणांक का मान, ठीक है भाई। तो हमने थीटा का मान ज्ञात कर लिया, हमने प्रतिबल ज्ञात कर लिया, इस तरह से हमने जो है दृढ़ता गुणांक का मान ज्ञात कर लिया, विकृति ज्ञात कर ली, और हमने प्रतिबल का मान भी ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से हमारा ये आंकी प्रश्न था। तो ये आपको सोल्व करना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।